पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से जूझ रही अवाम को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मोटर व्हीकल पर ग्रीन टैक्स में इजाफे पर आज ऑटो ड्राइवर्स कैब ड्राइवर्स ट्रेड यूनियन एसोसिएशन की जानिब से खैरताबाद आरटीओ के रूबरू एक धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसके बाद दूर दूर तक ट्रैफिक जाम का मसला बना रहा। खैरताबाद सड़क जाम होने से अमीरपेट बंजारा हिल्स और दूसरी तरफ बेगमपेट तक भी ट्रैफिक जाम देखी गई। एहतजाजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि ग्रीन टैक्स के नाम पर जो बोझ आयद किया जा रहा है इसे वापस लिया जाए। पेश है इस खसूस में एहतजाज और साथ ही ट्रैफिक जाम के कुछ झलकियां और एहतजाजियों के ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। अरे भाई एक मीटर का है, दूसरा फिटनेस का है। हाँ। फिटनेस को रोज फरान थी 50 रुपए, बोले तो कोई भी नहीं बन सकता। साल में 18,000 रुपए होते उसके, तो वो कहाँ से बनते? साल में अगर 500 रुपए बोले तो फिर भी कोई भी एडजस्ट कर सकता। अब सीधा सीधा 18,000 रुपए रोज के 50 रुपए बोले तो कहाँ से बनेगा? कोई भी ऑटो वाला नहीं बन सकता। ये गवर्नमेंट बगैर बोले कि ये सो वो कर डाली सो है कुछ भी नहीं, वो डिमांड है। दूसरे पेट्रोल का रेट 12 साल से बढ़ते जा रहा, मीटर का रेट नहीं बढ़ा आज तक भी, वो मसला है। तेरी ऑटो वालों के ऊपर भी तवज्जो देना ना। आज के दिन ये हड़ताल करने ना, ये जियो नंबर 714 के लिए, इसका मतलब क्या बोले तो आपका गाड़ी का रिनवल का टाइम हो गया है तो दूसरे दिन से 50 रुपये लेकर वो पेनल्टी डाल रहे हैं। उस लिए एक महीने को 1500 होते, उस लिए साल भर कर बहुत महंगा भर रहा। उसलिए 2 साल से कोरोना है ना, उसलिए पूरा ऑटो वाले कैब वाले डीसी वाले लारी वाले पूरे नए चला से बहुत तकलीफ उठाए हैं। उसलिए ये जियो निकालना बोल के अब सब यूनियन वाले मिलकर इसको जियो हटाना बोल के वो मोड़ के ऊपर से ये हड़ताल कर रहे हैं। उसलिए ऑटो कैब वो सब पूरा मिल के ये स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले कारोबार नहीं है और डीसी और डीजल पेट्रोल गैस ये खाने का चीज़ भी बढ़ गया है, उसलिए ये भी कम कर रहा बल्कि सब के लिए टमाटर भी 100 रुपये किलो है। हाँ, इसलिए ये कैब ऑटो यूनियन हर यूनियन से मिलकर